जो कब्रिस्तान का बाउंड्री अंदर बहुत सारा पेड़ उग गया था, तो दादा अभी सफाई कर रहे हैं ना। दादी कितना दिन से दादा साफ कर रहे हैं? 8 दिन से। ये रहा कब्रिस्तान का गेट, पूरा जितना जंगल आगे दिख रहा ना वैसे ही जंगल था, एकदम यहीं से शुरू था। और देखिए दादा पूरा काट काट के इस साइड रखे उधर रखे, बारिश होने की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल उग गया था, तो दादा इसका सफाई कर रहे हैं पूरा, क्योंकि इस सब बारात आने वाला है, पर्व आने वाला है ना, दादा सोचे कि सारा जंगल साफ कर देते हैं। दादा सारा पेड़ कट कर रहे हैं, चलिए अभी हम भी काटते हैं। हे गाइस क्या हाल चाल, उम्मीद करते कि सारे लोग बढ़िया हो गए। तो गाइस वापस से आप सभी लोगों का नए ब्लॉग में स्वागत है। और गाइस अभी सुबह के बज रहे 10:30, अभी जा रहे कॉलेज क्योंकि सारा भाजी का फॉर्म फिलअप करवाना है। तो हम नहीं जा रहे कॉलेज, हमको जाने का मन भी नहीं था, ये दोनों मिलकर के जबरदस्ती हमको लेकर के जा रहे कि हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। केनला के पास 10 रुपया नहीं है टोटो का, है ना? 10 रुपया नहीं है ना? चेंज नहीं है, कैश है इन लोग के पास, क्योंकि सारा भाजी फॉर्म फिलअप करवाने जा रही ना, तो कैश लेकर के जा रही। कितना लग रहा है तुम लोग को? चेंज नहीं है पैसा। 1200 करके सेमेस्टर 3 या 4 का करवाना है तुमको फॉर्म? फर्स्ट आई थी सेमेस्टर 3 में, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री अभी सारा बाजी और यास्मिन को बस कॉलेज ड्रॉप करना है, वापस आना है। और तुमरा भी मार्क्स सेट नहीं आई, तुम क्यों जा रही है क्लास करने? है तुमको हम नहीं जाएंगे वापस लाने, पापा चल जाएंगे। तो तुम जो पैसा लेकर के जा रही हो खुला होगा ना, तो फिर जब खुला होगा तो तुम उधर से टोटो लेकर के आ जाना। क्यों नहीं आएगा टोटो से? अभी तो था इसके पास पैसा। अरे यार भाड़ा लगवाता है, बस हमको फंसाती है इन लोग दोनों मिलकर के, बस जब भी कॉलेज जाएगी हम ही को लेकर के जाएगी जबरदस्ती। क्या बार बार हम इस अपने नहीं जा सकते, स्कूटी चलाना नहीं आता, इतना बड़ी बड़ी हो गई है। बिना चावल धोकर मेरा नाई को तुम बोल दिया चावल धो दिया है, खाना बिना चावल धोए खाना पका दी। अरे यार बिना धोए खिला रही अम्मी, उसमें पता है कोटा वाला चावल में क्या क्या रहता है, डस्ट उस्ट पूरा रहता है। उसमें केमिकल उमिकल भी दिया हुआ रहता है बोरा में, बकरी को खिला दो, नहीं छोड़ो खा लो खा लो खा लो खा लो, एकदम नहीं खाना, हाथ में लट्ठा केमिकल दिया रहता है कलर लाने के लिए, एकदम नहीं खाना भाई तुम मरेगा। वही पानी फसाते हो हां, तो बोल रहे जाओ फिर जाओ धो लो, हां फिर रख दो ना रे, हां जाओ कर लो भाई पानी फेंक दो वाला, हम भी तो इसको बोल रहे जाओ मैं खा लेना, चलो कुछ नहीं, नहीं चार पाँच रखो फिर तो वही पक भी ना। चलो चलो चलो, चलेगा चलो। तो चलिए अभी चलते कॉलेज, टाइम हो गया 11 बजने वाला है, बस थोड़ा टाइम बचा हुआ 11 बजने में। और बिना धोए चावल पका दी तो इन लोगों को टेंशन हो गया कि मर जाएंगे, वैसे पिकनिक करते थे बचपन में तो बिना धोए खाना खाते थे। तो चलिए गाइस चलते अभी कॉलेज, मर जाएगी। तो गाइस अभी हम कॉलेज में, सारा बाजी और यास्मिन ये रही, और आज कॉलेज में कुछ फंक्शन है, पता नहीं होता है ना, आदिवासी का सौराय पर्व है। क्या सौराय पर्व हो रहा आदिवासी का? जाओ तुम लोग डांस नहीं करेंगे? जाओ जाओ जाओ, कॉलेज तो खुला भी नहीं है यार। हुआ तो खुला है, पूछ के आते हैं। ये लोग आए, हम जा रहे घर, हम जा रहे, जब पूछ करके अगर फॉर्म दे रहा आज हो रहा है तो करवा लेना, नहीं तो फिर घर चलो। आज फंक्शंस वगैरह है कॉलेज में सौराई पर्व का, तो भीड़ होने वाला अभी कुछ देर में, अभी स्टार्ट नहीं हुआ बट होने वाला है। ये देखिए सामने स्टेज बना हुआ है, ये रहे सर, अभी सारा बाजी और यास्मिन सर से बात की है, होगा आज जाओ फिर तुम लोग करवा, हम जा रहे घर। जाओ 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 चले हम घर, चले गए अभी हम चलते घर, ये लोग चले। तो गाइस फाइनली अभी कॉलेज से घर आ गए, और अभी ना दादा यहाँ पे अंदर में सफाई कर रहे हैं। अभी जो कब्रिस्तान का बाउंड्री अंदर बहुत सारा पेड़ उग गया था, पूरा मतलब जंगल हो गया था, तो दादा अभी सफाई कर रहे हैं ना। दादी कितना दिन से दादा साफ कर रहे हैं? 8 दिन से काट रहे हैं। तो दादा ना पूरा कब्रिस्तान का सफाई कर रहा है, तो चले चलते अभी कब्रिस्तान के अंदर, और दादा कितना साफ किया वो दिखाते हैं आप लोगों को। दादा अकेले साफ कर रहे हैं पूरा कब्रिस्तान। ये रहा कब्रिस्तान का गेट, वो देखिए अंदर में दादा सफाई कर रहे हैं, वो वहाँ पे मतलब पूरा जंगल था, लिटरली पूरा जितना जंगल आगे दिख रहा ना वैसे ही जंगल था, एकदम यहीं से शुरू था। और देखिए दादा पूरा काट काट के इस साइड रखे उधर रखे, इधर एक खट्टा किए, एक आम का पेड़ है यहाँ पे उसको नहीं काटे, और अंदर में बहुत ज्यादा कांटा वाटा है, और दादा सफाई कर रहे हैं। देखिए बारिश होने की वजह से, बरसात होने की वजह से ना यहाँ पे बहुत ज्यादा जंगल उग गया था, तो दादा इसका सफाई कर रहे हैं पूरा, क्योंकि इस सब बारात आने वाला है, पर्व आने वाला है ना, तो दादा सोचे कि सारा जंगल साफ कर देते हैं, तो आधा से ज्यादा साफ कर दिए, अब बस बचा उस साइड का और इस साइड का, तो अभी भी दादा काट ही रहे। ये रहा दादा का हथियार, इसको बोला जाता है टांगा, इसको ना बड़ा बड़ा पेड़ काटने में यूज करते हैं, जैसे लाइक ये वाला काटने में नहीं, नीम का पेड़ काटेगा ना तो उसको काटते टाइम ना ये कट नहीं होता कायदा से, इसको 2 या 3 बार मारो तो पूरा काज गिर जाता है। देखिए दादा वहाँ कायदा से भी कट कर रहे हैं, देखिए सारा काट दिया दादा।
अभी दादा सारा पेड़ कट कर रहे क्योंकि कब्रिस्तान हो गया इनके वजह से, पूरा जंगल जंगल कुछ दिखता ही नहीं कब्रिस्तान में, सिर्फ जंगल दिखता था। इसलिए अभी देखिए इधर पूरा साफ हो गया कब्रिस्तान और इधर जंगल है, इसलिए दादा इसको साफ कर रहे हैं। चलिए अभी हम भी काटते पेड़, हम भी करते सफाई। तो ये वाला अरे जगह नहीं है, छोटे छोटे काटना, छोटा नहीं कटेगा, अभी छोटा छोटा काट ले रहा। ओ भाई देखा कैसे हम पुराने जमाने में लकड़हारा थे, लकड़ी काट, ये मेरा सोना का तलवार बन जाएगा, सोना का काटने वाला, पानी में डालना होगा। चलो अब बड़ा काट के दिखाओ। चलो अभी हम काटने वाले बड़ा वाला, इधर पलटाते इसको, इसको झुका पहले, देख सकते इतना दम हो गया, कट गया, तेज नहीं इसके लिए नहीं कट रहा, फाइनली कट गया, दूसरा भी कट गया। वाह लकड़ी तो काट ली, अब ये लकड़ी हम लोग इसलिए काट रहे ना क्योंकि ये कब्रिस्तान में, अगर बाहर रहता पहाड़ वाड़ के साइड तो नहीं काटते। ये लकड़ी भी ऐसे नॉर्मल है, मतलब ऐसा कोई पेड़ वाला काम नहीं कर रहा, ये नॉर्मल ऐसे जंगल झाड़ जंगल वाला लकड़ी है ये, इसको काट करके हटा रहे क्योंकि कब्रिस्तान का काम आता है और अभी कुछ दिन में हम लोग का पर्व भी आने वाला है, इसलिए हम लोग काट रहे हैं। सारा काट लिया है, इतना दूर तक हो गया इधर इधर। चलिए अभी हम लोग चलते घर, मस्त लकड़ी काटे, मजा आ गया। दादा रोज काटते, रोज सोचिए हम लोग बस इतना छोटा सा लकड़ी काटे, हम स्वेटर वेटर खोल करके आए थे फिर भी गर्मी लग रहा। और दादा दादा इतना काटे सब सब सब, वहाँ से लेके गेट तक था, बहुत बड़ा बड़ा जंगल, वहाँ से लेके यहाँ तक काटे। चलिए अभी चलते घर, अभी शाम के 5 बजे और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम स्वेटर नहीं पहने क्योंकि ठंड नहीं लग रहा, और अरमान भी बिना स्वेटर का है, ठंड है अंदर इनर ही। अच्छा तुम इनर पहन करके रखा है, गाइस ठंड नहीं लग रहा, मतलब बहुत कम ठंड है, एकदम थोड़ा थोड़ा। अब मम्मी चूल्हा जला ली है और यास्मीन वहाँ पे फूलों के साथ क्या कर रही पता नहीं। तो ये देखिए किचन में मम्मी और सायरा बाजी, मम्मी वापस से यही बैठ के आटा गूंद रही, पहले बाहर बैठ करके गूंदती थी, अभी घर के अंदर बैठ करके गूंदती है। तुम्हें ठंडा का मौसम आ गया इसलिए स्वेटर पहना हुआ, कुर्सी में अब पहन लेंगे, रात में ठंडा लगता है। अरे क्या बन रहा, बैंगन का तलवा बन रहा, इधर क्या है गाइस देखिए, ये ना सब चीज अकेले अकेले बनाती है और अकेले अकेले खाती है। ये लोग तो यहाँ पे पका रही है और खा रही है, हम चलते यास्मीन के पास क्योंकि यास्मीन आज बहुत मस्त मस्त फूल लाई थी, जब इन लोग को कॉलेज ड्रॉप किया था फिर हम वापस लाने गए नहीं थे, वीडियोस एडिट कर रहे थे और ब्लॉगिंग एडिट कर रहे थे, बाकी सब कुछ कर रहे थे। तो ये देखिए फिर से नया फूल लगाई बोतल में, नहीं लगाए सब कल लगाएंगे, रात हो गई गाइस। ये देखिए बोतल में फिर से ये कट की है, कलाकारी की है, और कौन कौन सा फूल लेकर आई है दिखा जरा। तो गाइस ये देखिए इतना सारा फूल यास्मीन लेकर आई, एक नया फूल ये वाला लेकर के आई है, एक फूल ये वाला लेकर आई है, और ये तो वहां से लेकर के खरीदी थी मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में। एक ये रेड कलर का फूल लेकर आई, कितना अच्छा लग रहा, और एक ये वाला रेड कलर का लेकर के आई है, और एक ये फूल लेकर आई। इस फूल का नाम क्या बताई थी, बटरफ्लाई फूल गाइस देख सकते हैं। यास्मीन 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 फूल लगभग नया नया लेकर के आई घर में, 100 रुपए में 7 फूल, 7 नहीं है 5, और एक पुराना है। तो पुराना वाला जो है ना यास्मीन पता कितने में ली थी, 20 रुपए में 6 पीस वो पुराना वाला गेंदा फूल, और जो नया वाला लेकर का है ना 5 फूल लेकर का 100 रुपए में, है ना रे 5 फूल गाइस। ये सब अच्छा अच्छा फूल है और बहुत अच्छा स्टाइलिश भी लग रहा है। ये सारा फूल यास्मीन बस 100 रुपए में लेकर के आ गए, कितना बोल रहा था रे, बोल तो ज्यादा रहा होगा। प्राइस 20 रुपए है और इसका 20 है और इसका 20 है और बाकी सब 15 है। ये भी प्लांट है फूल का, इसको नहीं बताया। अच्छा एक ये भी है, ये वाला गाइस बस इसमें फूल नहीं है, बस ये पौधा लेकर के आ गई है। कौन सा कलर का निकलेगा बताया था वो, और ये वाला देखिए जब हम पहले दिखाते थे आप लोगों को तो ये खिला नहीं था, अभी ये खिल गया, पर देखिए ऐसा लग रहा है कुछ अजान हो रहा अभी। तो गाइस अभी रात के 9 बज रहे हैं और खाना खा करके सोने का टाइम हो गया। वैसे मम्मी खाने में बनाई रोटी आलू का सब्जी और सलाद, तो चलिए फटाफट से खाना खाते और सोते हैं। और हाँ तभी फूल दिखा रहे थे ना, उसके बाद अजान हो गया, फिर मगरिब का नमाज पढ़ने चले गए थे, फिर मगरिब का नमाज के बाद रात का नमाज पढ़ने चले गए थे, तो जस्ट अभी आए हैं। चलिए आई होप आप सभी लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आए फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ गाइस डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम लिंक है, तो जाओ जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय।